वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मम्मी ब्रेकफास्ट में काजू उपमा बनाने वाले हैं। क्या आपने कभी काजू उपमा खाया है? मेरा तो ये फेवरेट है। दिस इज फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड हेल्दी फैट। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी डिश है ये। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। गाइज, सो यहाँ पर इस काजू उपमा यानी ब्रोकन व्हीट उपमा को बनाने के लिए मैंने ली हैं कुछ वेजिटेबल्स, जैसे कि टमाटो, ऑनियन, कैरेट, ग्रीन चिली और कुछ करी लीव्स भी। आप चाहें तो इससे ज़्यादा वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं। पैन को लो फ्लेम पर रखेंगे और हम डालेंगे 1 टेबलस्पून घी, प्योर घी। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। और उसके बाद मैं उसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून जीरा यानी क्यूमिन सीड्स। क्यूमिन सीड्स जब क्रैकल होने लगे तो हम ऐड कर देंगे उसमें ऑनियंस। ऑनियंस को थोड़ा सा फ्राई करेंगे जब तक वो ट्रांसल्यूसेंट होने लगे, तो हम उसमें ऐड कर देंगे 1 हैंडफुल यानी कि 1 मुट्ठी भर 10 से 15 काजू। काजू यानी कैशू नट हमारी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ये हमारी मेमोरी को शार्प करते हैं, स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं, शाइनी बनाते हैं, वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे कैरेट्स और उसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे जिससे कि वो थोड़ा हाफ कुक हो जाएं। और फिर हम ऐड कर देंगे टमाटोज, ग्रीन चिली और साथ में करी लीव्स भी। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। और जब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं तो हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून डालेंगे सॉल्ट यानी नमक और 1/4 टीस्पून ही हम इसके अंदर डालेंगे कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। और इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे तब तक जब तक हमारे टमाटो सॉफ्ट नहीं हो जाते, हाफ कुक नहीं हो जाते। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप रोस्टेड ब्रोकन व्हीट यानी कि 1 कप भुना हुआ गेहूं का दलिया। सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जब ये सारी चीज़ें एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं तो हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप पानी। पानी डालने के बाद, इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद, अब हम लिड से इसको कवर करके 15 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। क्योंकि यह है व्हीट जो पकने में टाइम लेगा, कुक होने में टाइम लेगा, तो 15 मिनट्स के लिए हम इसको कवर करके कुक करेंगे लो फ्लेम पर। 15 मिनट्स के बाद देखिए मैंने इसको खोला है तो ये कम्प्लीटली कुक्ड है। हमारा दलिया भी अच्छी तरह से कुक हो गया है, ये देखिए। और रेडी है हमारा यमी टेस्टी येट सो न्यूट्रिशियस काजू उपमा यानी ब्रोकन व्हीट उपमा। तो चलिए फटाफट से इसको सर्व करते हैं। बहुत ही हेल्दी और फिलिंग ब्रेकफास्ट है। इसकी गार्निशिंग भी अगर आप चाहें तो कोरिएंडर लीव्स से कर सकते हैं। वैसे मैं इसकी गार्निशिंग के लिए कुछ भी यूज़ नहीं करने वाली हूँ क्योंकि इसमें हमने डाला है करी लीव्स को, और अगर हम कोरिएंडर लीव्स इसके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं तो करी लीव्स का फ्लेवर कहीं खो जाएगा। और रही बात ड्राई फ्रूट्स की, तो हमने इसमें ऑलरेडी बहुत सारे काजू डाल दिए हैं, तो ये ऐसे ही बहुत ही टेस्टी, यमी एंड अट्रैक्टिव भी लगने वाला है। गाइज ज़रूर ट्राई करिएगा इस काजू उपमा को। सो गाइज, अगर आपको पसंद आती हैं ऐसी ही हेल्दी रेसिपीज़ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसे ही किसी हेल्थ, ब्यूटी या फिटनेस रिलेटेड टॉपिक को लेकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।